तो ये सारे बेनिफिट्स हैं गूगल समर ऑफ कोड में पार्टिसिपेट करने के लिए। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आपको इंडस्ट्री के बारे में एक्सपोजर मिलेगा। तो आप सीखते हैं बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस की, अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो क्या कोडिंग प्रैक्टिसेस आपको फॉलो करनी चाहिए, तो वो भी एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। आपको बड़े कोड बेसिस को रीड करना, उसमें कोड कैसे राइट करते हैं, क्या डायरेक्टिव स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, इस बारे में अंडरस्टैंडिंग आती है। तो आपको टेस्टिंग के बारे में, डेव टेस्टिंग के बारे में पता चलेगा, यूनिट टेस्ट केसेस क्या होते हैं, वो सब कैसे हम क्रिएट करते हैं, कैसे टेस्ट सूट्स बनते हैं और वो CI/CD में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको पता चलेगा कि डॉक्यूमेंटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे उसको अच्छे से करें। यू गेट टू अंडरस्टैंड कि कैसे रिमोट टीम्स काम करती है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट होता कैसे है। वर्जन कंट्रोल की इंपॉर्टेंस के बारे में आपको समझ में आएगा। गिट, गिटहब, इन सबको आप बहुत एक्टिवली यूज करेंगे तो वो आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस उसमें बहुत अच्छा होगा। नेटवर्किंग, आप एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डेवलपर के साथ काम करने को आपको मिलता है, जो कि आपको शायद कॉलेज में कभी भी ऐसा मौका ना मिले। यू गेट अबाउट $1,500 टू $3,000 स्टाइपेंड, दो इवैल्यूएशंस में 50-50 आपको मिलता है। $3,000 इज ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज।